जैसे अगर 2K रेजोल्यूशन का कोई भी LCD LED TV हो और उसका मेन बोर्ड यदि फॉल्टी हो और मार्केट में ना मिल रहा हो, तो हम लोग ये यूनिवर्सल कार्ड को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत आसान है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। बस इसके लिए कुछ LVDS केबल का कॉन्फ़िगरेशन मैच करना पड़ेगा आपको, और पैनल के अकॉर्डिंग इसमें फर्मवेयर अपडेट करना होता है। तो करना क्या है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे ये पैनल है, ये पैनल चाहे मॉनिटर का हो या LCD LED किसी भी TV का हो, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस पैनल पे ये यूनिवर्सल कार्ड को सेट करना है, ठीक है। देखिए, जब कार्ड का बॉक्स लेते हैं आप, तो बॉक्स के साथ ये एक LVDS केबल मिलेगा, ये कीबोर्ड का सेट, इधर रिमोट सेंसर, एक रिमोट, और ये फिटिंग के लिए ये सब कुछ चीज़ें में फिटिंग के लिए ये मिलेंगे आपको। तो अभी क्या करना है कि इस बोर्ड को इस पैनल के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले जिस किसी भी पैनल के साथ ये बोर्ड अटैच करना हो, उस पैनल का डाटा सीट डाउनलोड करेंगे। डाटा सीट डाउनलोड करने के लिए पैनल पे नंबर लिखा रहता है, पैनल नंबर, जैसे इस पे क्या है LM156WH1, इसे गूगल पर टाइप करके इसका डाटा सीट हम लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए, आप उसको फ़ोन पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी, या उसको कहीं नोट भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया है, इस पैनल का रेजोल्यूशन है 1366x786, और जो इसका VCC सप्लाई होता है, वर्किंग सप्लाई, वो है 3.3 वोल्ट। और ये जो 33 का जो इसका LVDS कनेक्टर होता है, ये उसके कनेक्शन का डिटेल है। जैसे देखिए तो फर्स्ट नंबर ग्राउंड, 2-3 VCC, 4-5-6-7, ये सभी NC, 8-0-9-0+10 ग्राउंड। तो इस तरह से अगर देखें हम लोग इसमें, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, मतलब ये पैनल जो है 4 पेयर का है। और इस बोर्ड के अगर LVDS कनेक्टर की बात करें, तो इससे मैक्सिमम 10 पेयर तक का आउटपुट मिल सकता है। तो हमें क्या करना है कि इसका वायरिंग उतना ही करेंगे, मतलब इसमें इस पैनल में 4 पेयर की आवश्यकता है, तो केवल यहाँ से 4 पेयर का ही कनेक्शन करेंगे। उसके लिए क्या है, ये LVDS केबल में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है आपको। इसे सावधानी से निकालना है, प्रत्येक पिन को सही से नहीं निकालेंगे तो ये डैमेज भी हो सकता है। क्योंकि हमें पैनल के अनुसार ना ये पिन को मैच करवाना होता है। इसे बहुत ही केयरफुली निकालना होता है। इसमें ध्यान देना है, जो रेड कलर का वायर होता है वो अक्सर VCC के लिए ही यूज किया जाता है। खींचो, प्रत्येक पिन को बारी बारी से खींच लेंगे।
ये एलवीडीएस कनेक्टर से सारे पिन को हमने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इस केबल को इधर लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जो कटिंग मार्क होता है बोर्ड में, ठीक है, तो जैसे किसी किसी बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, सभी कनेक्शन का नाम यहाँ पे लिखा होता है, जैसे वीसीसी ग्राउंड और डीवन का जो भी कनेक्शन है उसके बारे में किसी किसी बोर्ड पे नहीं लिखा होता है। तो इसका हम लोग एक अलग से नोट्स बना के रख लेंगे। ये लगभग V29, 59, 56, ये सभी का कनेक्शन एक जैसा ही होता है। तो यहाँ क्या करेंगे अभी हम लोग, कि ये जो रेड वायर है इसको कटिंग के साइड रखेंगे, ठीक है। इधर कटिंग का मार्क्स है, एक पिन कम है इसमें, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे इसे लगा लिया। देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे ये 30 पिन का कनेक्टर है, तो ये एक साइड और ये एक साइड, इसमें हम लोग देखें तो ये चेचिस से जुड़ा रहता है। मतलब अभी आपको 32 पिन दिखेगा, इसमें से ये पिन, ये किनारे वाले और इधर के किनारे वाला, इसको स्किप कर देना है। ये बस ऐसे ही मजबूती के लिए रहता है, इस चेचिस के साथ जुड़ा होता है। और इधर एरो का निशान लगा हुआ है, तो इस प्रकार एक नंबर पिन ये छोड़ दिए, इसके बाद वाला जो है एक नंबर पिन हुआ, ये मल्टीमीटर, तो ये एक नंबर पिन। तो ये तो चेचिस रहा, इधर वाला और इधर वाला, ये काउंटिंग में नहीं आएगा। अब ये जो डॉट है, एरो जो है, ये एक नंबर पिन है, और इसके डेटा शीट में एक नंबर पिन जो है, एक नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। दो और तीन VCC है, तो ये ऐसे भी समझ में आ जाएगा। दो और तीन देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, मतलब ये VCC ही है, बाकी किसी अन्य पिन में फ्यूज नहीं होता है। और इधर लिखा हुआ भी है 1.5 एम्पियर, तो ये फ्यूज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको मिला लेंगे कि ये एक नंबर पिन एक्चुअल में जाएगा किधर से। तो ये इस तरह से बैठ रहा है इसमें, मतलब एक नंबर पिन जो है इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे। तो इस प्रकार इसको उलटते हैं तो ये इधर से एक नंबर पिन का काउंटिंग शुरू होगा। तो एक नंबर पिन जो था इसमें ग्राउंड था, ये वाला जो भी ब्लैक वायर है ये सभी ग्राउंड के लिए ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर वाले पिन पे ब्लैक वायर को लगा देते हैं, लग गए। फिर इसमें क्या था, दो नंबर और तीन नंबर पिन ग्राउंड था पैनल के डाटा शीट के अनुसार। तो ये रेड वाला जो वायर होता है, सॉरी, दो और तीन VCC था, और ये रेड वाला वायर जो होता है ये यहाँ के VCC से कनेक्ट होता है जी। तो दो और तीन नंबर पे, क्योंकि रेड वायर अपने पास तीन तीन रेड वायर दे रखा है, तो दो और तीन दोनों पे ये VCC की सप्लाई जोड़ देते हैं, मतलब पिन को लगा देंगे LVDS के लिए। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इधर से अपना एक नंबर पे ग्राउंड है, दो तीन पे VCC है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो आप इसका भी कॉपी करके आप इसमें डाल के देख सकते हैं, मतलब जो कनेक्शन इसमें है सेम वही कनेक्शन इसमें भी होगा, बस किसी वाले बोर्ड पे लिखा होगा किसी किसी बोर्ड पे, और किसी किसी बोर्ड पे ये चीज़ नहीं लिखा रहता है। तो हम लोग कोई भी एक बोर्ड का 59, 29, 56 किसी का भी अगर ये वाला डाटा रख ले तो ये दूसरे में भी काम आ सकता है। जैसे मान लेते हैं इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये तीनों VCC है, चार नंबर ग्राउंड है, पांच नंबर ग्राउंड है, फिर छः नंबर ग्राउंड है, और सात नंबर जो है ये क्या है, और ऑड जीरो माइनस है। तो सेम वही कनेक्शन इसमें भी होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर ऑड जीरो माइनस, आठ नंबर ऑड जीरो प्लस। तो इसमें देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब ये ऑड जीरो माइनस है और ये ऑड जीरो प्लस है। तो बहुत ईजी है इसे फाइंड करना। इस पे ज़रा टच करके रखो तो
सात नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पिन बिक मार रहा है, कौन सा पेयर। अरे एक बार में ही, तो ये जो है ये ऑड जीरो माइनस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रखो, ये पेयर में ना ये दोनों साथ में ही रहता है, जैसे ये ऑड जीरो माइनस है तो ये पक्का ऑड जीरो प्लस ही होगा, ठीक है। ये ऑड जीरो प्लस, अब करना क्या है कि इसमें लगाना है, तो पैनल का डाटा सीट में ये ब्लू वाला अपना ऑड जीरो माइनस, ये ऑड जीरो प्लस है, याद रखा हमने। अब पैनल के डाटा सीट के अनुसार इसका आठ नंबर जो पिन है वो ऑड जीरो माइनस है और नौ नंबर ऑड जीरो प्लस है। ये अपने हाथ में ब्लू कलर का वायर, ब्लू कलर ऑड जीरो माइनस है, कितना नंबर पे, आठ नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। तो इस पर हम लोग ये ऑड जीरो माइनस लग गया, नौ नंबर तो ऑड जीरो प्लस है, ये ऑड जीरो प्लस है, ये ऑड जीरो प्लस, बस इसे आराम से केयरफुली लगा देंगे और जीरो प्लस। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी पेयर हैं वो सभी को कनेक्ट कर लेंगे, मेन बोर्ड और पैनल पे, यहाँ का ऑड जीरो प्लस, इसके ऑड जीरो प्लस पे, यहाँ का ऑड जीरो माइनस, इसके ऑड जीरो माइनस पे, फिर ऑड वन आएगा, ऑड टू आएगा, ऑड क्लॉक आएगा, तो कुल मिला के इसके अंदर चार पेयर ही है। इस प्रकार हमने मेन बोर्ड और पैनल के बीच टोटल कनेक्शन मैच करवा लिया, तो ये वाला जो पैनल था इसमें चार पेयर का ही ज़रूरत था, ऑड जीरो माइनस, ऑड जीरो प्लस, ऑड वन माइनस, ऑड वन प्लस, ऑड टू माइनस, ऑड टू प्लस, ऑड क्लॉक माइनस, ऑड क्लॉक प्लस। और ये जो मेन बोर्ड होता है इसमें 10 पेयर का आउटपुट होता है, लेकिन ज़रूरत यहाँ चार पेयर का ही था, तो हम लोगों ने चार पेयर को केवल जोड़ लिया, और जो बाकी पेयर का जो वायर बच रहा है इस वायर को कट भी कर सकते हैं या टेप टेप करके इसे इसी में चिपका भी सकते हैं, अब इस वायर का ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, अभी अपना LVDS केबल को कंफिगर हो गया, ठीक है, इसे हमने कंफिगर कर लिया, ये सभी एसेसरीज को लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक जम्पर लगा हुआ है पैनल के वोल्टेज के लिए, यहाँ पे अभी क्या है कि अभी ये वोल्टेज का जो सॉरी ये जम्पर का जो सेटिंग है वो 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, ये दोनों पॉइंट पे जुड़ेंगे इधर, तो ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट है और इधर 12 वोल्ट का पॉइंट है, तो हमारा पैनल जो था वो 3.3 वोल्ट VCC वाला था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जम्पर को निकाल के 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट पे डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ओवर वोल्टेज जाने के कारण पैनल ख़राब भी हो सकता है। ये हमने कीबोर्ड जोड़ दिया, इसी में IR सेंसर भी लगा हुआ है। अब ये जो पैनल है ये क्या है, LCD पैनल है, मतलब इसके अंदर बैकलाइट के लिए CCFL ट्यूब यूज होता है, तो इसके लिए एक इन्वर्टर कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया कि एक मॉनिटर का पावर सप्लाई लिया, ठीक है, मॉनिटर का यह पावर सप्लाई है, यहाँ से इसका आउटपुट कनेक्टर है, तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट आउटपुट का कनेक्शन है, तो हमने 5 वोल्ट वाले कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है इस बोर्ड में, इस बोर्ड को काम करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, आप इसे एडेप्टर से अलग से भी सप्लाई दे सकते हैं, या पावर के लिए कनेक्टर बना हुआ है, आप कोई पावर सप्लाई से भी SMPS से भी इसमें सप्लाई दे सकते हैं। तो ये जो मॉनिटर का SMPS है इसमें आउटपुट तो 5 वोल्ट ही है, लेकिन ये क्या है कि इसी में इन्वर्टर कार्ड भी इनबिल्ट है, और ये जो बैकलाइट सेक्शन होता है इधर का इन्वर्टर कार्ड, इसको काम करने के लिए 12 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे दो डायोड लगे हुए आउटपुट में, एक ये वाले डायोड, तो टेस्ट करने पे पता चला कि ये 5 वोल्ट के लिए है, और इधर जो ये 3 पिन का जो कॉमन कैथोड डायोड है ये 12 वोल्ट आउटपुट है। तो इधर वाले से हमने आगे कॉइल पार करके और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस पॉइंट से हमने 12 वोल्ट उठा लिया, ये ब्लैक वाला वायर ये ग्राउंड, रेड वाला ये 12 वोल्ट, इसे हम लोग इस पर कनेक्ट करेंगे ये पावर कनेक्टर पे, यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड इसी के अकॉर्डिंग जोड़ देना है इसे। दूसरी बात, बैकलाइट के लिए हमने यहाँ से बैकलाइट ऑन और डिमिंग ये दोनों का कनेक्शन हमने यहाँ से
वायर जोड़ के निकाल लिया है, मतलब जो बैकलाइट के लिए CCFL ट्यूब को जो जलाना है उसके लिए इसी कार्ड का यूज कर लेंगे अभी। इस तरह से ये तो बोर्ड के लिए VCC सप्लाई हो गई। तो इस प्रकार हम लोग बोर्ड पे यह ग्राउंड वाली सप्लाई और यह VCC 12 वोल्ट की सप्लाई, ये दोनों जोड़ दिया। ये दोनों वायर निकाला था हमने, एक बैकलाइट ऑन था और एक डिमिंग के लिए, क्योंकि जब तक बैकलाइट ऑन का सप्लाई नहीं जाएगा वहाँ पे इस कार्ड पे मेन बोर्ड के द्वारा, तब तक ये बैकलाइट इनेबल नहीं होगा था, इसका CCFL नहीं जलेगा। तो ये भी जोड़ना ज़रूरी है। और ये बैकलाइट कार्ड के लिए यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पे देखे हम लोग तो ये दो पिन 12 वोल्ट का है, तीसरा पिन बैकलाइट ऑन का है, चौथा पिन एडजस्ट का है। तो ये वाली वायर जो है बैकलाइट ऑन के लिए है इस कार्ड से जो आई है, तो इसे हम लोग बैकलाइट ऑन वाले पॉइंट पे लगाते हैं। ठीक है, एक और कहीं गया, और इसे जोड़ देते हैं डिमिंग वाले पॉइंट पे, या एडजस्ट, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जोड़ दिया। अगर वीडियो इस केबल को सही से लगा देना है, अब टीवी सेट को ऑन करेंगे। इसके बाद आपको एक काम और करना होता है, ये नया जो बोर्ड लेते हैं आप, इसमें जो फर्मवेयर डाला होता है वो हाई रेजोल्यूशन का फर्मवेयर होता है, तो पैनल का फर्मवेयर ये जो रेजोल्यूशन था वो 1366 और 768 का था। तो हमें क्या करना होगा कि इसके ये पैनल के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें फर्मवेयर भी अपडेट करना होगा। ये बायोस प्रोग्रामर के द्वारा आप VGA से भी राइट कर सकते हैं, या सबसे आसान मेथड है USB के द्वारा भी पेन ड्राइव से इसमें फर्मवेयर अपडेट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग अभी इसमें सप्लाई दे के देखें तो ग्राफिक्स आने का चांस जो है वो बहुत कम होगा। फिर देखते हैं सब करके कॉपी कर सही से
जियो। तो अभी जस्ट जो है बैकलाइट नहीं जला था, फिर से ऑन करते हैं। होता क्या है ना, देखिए ये ऑन किया, बैकलाइट इसमें नहीं जल रहा है। होता क्या है कि जैसे ये बैकलाइट ऑन और डिमिंग दोनों का कनेक्शन जोड़ देते हैं, तो कई बार जो नया बोर्ड रहता है, मतलब नया फाइल जिसमें राइट किया हुआ रहता है, ठीक है, तो जो ब्राइटनेस होता है उसका लेवल बिल्कुल जीरो होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये बैकलाइट ऑन और डिमिंग दोनों के बीच रजिस्टर मारते हैं तो बैकलाइट आ जाता है, फिर बाद में सर्विस मोड से सही कर लेते हैं, या जो डिमिंग का वायर होता है उसे कट भी करने पे सही हो जाता है। तो इसमें बैकलाइट ऑन का ये वायर है और डिमिंग का इधर वाला, तो डिमिंग वाले को कट करके देखते हैं एक बार। डिमिंग को कट करने पे बैकलाइट जलना शुरू हो गया, और अब ये फोटो जो आ रहा है ये इस तरह का है। ये पिक्चर जो धुंधला आ रहा है, इसे सही करने के लिए हम लोग पैनल के रेजुलेशन के अकॉर्डिंग फर्मवेयर राइट करेंगे इसमें, ठीक है, 6A8, ठीक है। तो इस बोर्ड का आपके पास पूरा एक बंडल होगा, मतलब हर एक रेजुलेशन के अनुसार फाइल होगा आपके पास। उसमें से हम लोग इस पैनल के रेजुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 1366x768 ये वाला रेजुलेशन का फाइल हम लोग कॉपी कर लेंगे इसके पैकेज से। तो देखते हैं इसका पैकेज अपने पास होगा। कौन सा था, V56A8, बंद हो रहा है। अच्छा, वो पावर ज्यादा ले रहा है, इधर वाले में लगा। अब कुछ लिखा चाइना में, चाइना लिख रहा है, चाइना लिख रहा है, ठीक है। अब तो भरोसा हो गया कि कुछ हो सकता है, ठीक है। इंडिया का लाइन लगा, तो इसमें क्या किया हमने, वो जो पैनल का जो रेजुलेशन था उसी के अकॉर्डिंग फाइल डाले और ये इमेज बनना शुरू हो गया। लैंग्वेज चूंकि चाइना है, अब लैंग्वेज को थोड़ा सुधार लेते हैं मेनू ओपन करके। अब अब इसका लैंग्वेज सुधर गया। अब ये फिगर जो है वो परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसे सुधारना है। इसके लिए सर्विस मेनू ओपन करेंगे, मेनू 1147, सर्विस मेनू, ठीक है। अब यहाँ पर मिल रहा है, पिक्चर सेटिंग में गए, जनरल सेटिंग, पैनल सेटिंग, प्रीसेट पैनल आईडी 1, 2 पे तो और गड़बड़ है, 3 पे कुछ ठीक है। पहले क्या था, 1 था ना, 1 पे सही नहीं था, 2 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 पे कुछ सही है, 4 पे बिल्कुल नहीं है, 5 पे सही है, 6 पे कुछ नहीं है, 7 पे कुछ ठीक है, 8 पे नहीं है और गड़बड़ है, 11 पे सही है,
ग्यारह पे फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है, और बाहर आ जाते हैं। चलिए इसमें बैकलाइट तो 80 वैल्यू पे सेट है, कोई नहीं। ये मिरर जो है, मिरर ऑफ ऑन है, इसे अगर ऑन करेंगे तो पिक्चर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और ऑन करेंगे तो पिक्चर सीधा हो जाएगा इस तरह से। विजिट हो गए, अब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। एलईडी का स्पीकर में दम लगेगा, तो ऐसे ही बाहर में टंगा हुआ है, जब तो बॉक्स में तो लगेगा तो थोड़ा इसको बंद करना है। बाकी सब तो ऑप्शन बताने का जरूरत नहीं है, इनपुट दबाइएगा तो जिससे सिलेक्ट करना है, मीडिया ये वो टीवी अभी जो कुछ भी है वो सब सिलेक्ट कर लीजिए। सर इस मोड में अभी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मिल हो गया सर। जिसपे ज्यादा मजा है उस पर हम लोग